हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कैंडिड बी क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी। जो लोग कैंडिड बी क्रीम को यूज़ कर रहे हैं वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, हाउ टू अप्लाई दिस क्रीम, प्रिकॉशंस, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, तो इसके बारे में कम्प्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। व्यूअर्स, कैंडिड बी क्रीम की अगर हम कंपोजिशन को देखें तो इसमें क्लोट्रिमाजोल और उसके साथ साथ इसमें एक स्टेरॉइड है जिसका नाम है पेक्लामेथासोन। यानी कैंडिड बी क्रीम जो है इसमें दो कंपोजिशंस का कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है जिसका नाम है क्लोट्रिमाजोल जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है और बेक्लोमेथासोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये 10 ग्राम की पैकिंग में आपको किसी भी फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक एजेंट है क्लोट्रिमाजोल जो कि फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ है बेक्लोमेथासोन जो कि स्टेरॉइड है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है, उसके अलावा एंटी प्रोरेटिक इफेक्ट रखता है। ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बेक्लोमेथासोन इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो कैंडिड बी क्रीम जो है इसको हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बॉडी पर कहीं भी किसी भी पार्ट पर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, जिस तरह रिंग वर्म है, रिंग वर्म जो एक सर्कुलर राउंड सी शेप में आपके बॉडी के ऊपर पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, ये आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। ज़्यादातर जो आपके बॉडी के फोल्ड्स होते हैं जैसे कि नीज हो गया, अंडर आर्म्स हो गई, एल्बोज वगैरह, इस तरह के एरियाज में, थाइस पर, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा स्किन की बहुत सी कंडीशन जैसा कि सोरियासिस, उसके अलावा एक्जिमा, डर्माटाइटिस और बहुत सी फंगल इन्फेक्शन, उसके अलावा इसको डायपर रैश के केस में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि डायपर रैश में भी बहुत ज़्यादा स्किन पर रेडनेस, इचिंग और एलर्जी हो जाती है, तो उस पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायपर रैशेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी आपके स्किन की हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को ये क्रीम बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और इसमें स्टेरॉइड की मौजूदगी की वजह से ये रेडनेस को, इचिंग को बहुत ज़्यादा कम करती है। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड है जो कि इसको बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। तो अब इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स, आपने इन्फेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है, उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट लेनी है आपने अपने फिंगर टिप पे, और फिंगर टिप की मदद से आपने इसको हल्के से मसाज के साथ अपने इन्फेक्शन के ऊपर लगा लेना है। और आप इसको दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर इन्फेक्शन, कि आपके इन्फेक्शन की सिवियरिटी कितनी है। आप इसको 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आप इसको 7 से 14 दिन तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर कैंडिड बी क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आप इसको मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके ओवर यूज से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपके इन्फेक्शन के ऊपर जलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्किन पर बर्निंग सेंसेशन होगी, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इचिंग भी बढ़ जाएगी, तो इससे ये कुछ आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देर तक रहें तो आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना छोड़ देना है और अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इसका यूज़ करना है। और अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो व्यूअर्स, वो पेशेंट्स जिनको क्लोट्रिमाजोल या बेक्लोमेथासोन किसी भी इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।